बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एग फ्राइड तंदूरी राइस की रेसिपी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। चलें जी, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। एक कप बोनलेस चिकन हम लेंगे और इसको छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। 1/4 केजी यानी एक पाव शिमला मिर्च, इसको भी बारीक क्यूब्स में काट लेंगे। 1/4 केजी गाजर, इसको भी बारीक क्यूब्स में काट लें। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 6 अंडे, इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। नमक हस्बे जायका, एक टीस्पून काली मिर्च, एक टेबलस्पून तंदूरी मसाला, 1/3 कप ऑयल यानी क्वार्टर से आप थोड़ा सा ज्यादा ऑयल लेंगे। ये जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ये 1 केजी राइस के लिए है। अगर आप राइस की क्वांटिटी कम या ज्यादा करते हैं तो इंग्रेडिएंट्स उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम अंडों को फ्राई कर लेंगे। अंडे फ्राई हो चुके हैं, इनको मैंने डिश आउट कर लिया है, अब मैं इनको बाद में यूज करूंगी। अब हम चिकन फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई करते हुए इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। चिकन ब्राउन हो गया, अब हम इसमें सिरका, सोया सॉस और तंदूरी मसाला डाल के इसको दम दे देंगे 2-3 मिनट के लिए। चिकन फ्राई हो गया, इसको भी हम डिश आउट कर लेंगे। अब हम वेजिटेबल्स का मिक्सचर रेडी करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें कैरेट्स ऐड करके इसको भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे।
शिमला मिर्च ऐड करें और साथ ही सिरका, सोया सॉस, काली मिर्च और नमक ऐड कर दें। तीन से चार मिनट दम दे दें। अब हम इसमें चिकन और अंडे डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो राइस ऐड कर देंगे। ये मैंने इस पे थोड़ा सा ज्यादा रंग डाल दिया है, ज्यादा रंग ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप बेशक इसको ना ऐड करें। एग फ्राइड तंदूरी राइस रेडी है, एंड पे हम कोयले का दम दे देंगे 5 मिनट के लिए और मजेदार एग फ्राइड तंदूरी राइस रेडी है हमारे। मैंने ये चिकन मंचूरियन के साथ बनाया है, आप इसको चटनी या रायते के साथ भी ले सकते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।